हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टैकी टैक में। तो आज जो है हम इस लैपटॉप की, जो कि मैंने फरवरी मंथ में लिया था, अप्रोक्स इसको आज 3 महीने हो चुके हैं, तो आज हम इसका दोबारा से रिव्यू करेंगे कि भाई कैसी परफॉर्मेंस है और कैसा क्या कुछ चल रहा है इसमें, और भाई क्या कुछ दिक्कत जो है मुझे अब तक इस वाले लैपटॉप में फेस करने को मिली है। तो वीडियो मैंने इसलिए बना रहा हूँ ये क्योंकि सब लोगों को क्लियर हो सके कि भाई आप एक लैपटॉप लेते हो तो भाई आगे आपको उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और किन किन चीज़ों का आपको जो है उसमें ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ें मैंने फेस की है इसमें, मैं उन चीज़ों को आपको बताऊँगा कि उन चीज़ों से आप बचें और आपको बहुत परेशानियाँ ना झेलनी पड़े, जो कि मैंने फ़िलहाल इस लैपटॉप में झेली है। काफ़ी सारे यूज़र्स का कमेंट भी आया कि भाई क्या कुछ दिक्कत है, क्या प्राइस है, क्या सेगमेंट है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वाले वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ भाई, ये जो मेरा लैपटॉप है ये असूस का राइजन सीरीज़ है, A15 15.6 इंच में है और 1600H जो है इसका CPU है और ग्राफिक कार्ड आता है इसका 3050 Ti के साथ में, RTX 3050 Ti के साथ में, 16 GB रैम है और 1 TB SSD के साथ जो है ये मुझे मिला है। NVMe SSD है इसमें। इसका थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ मैं आपको, इसका लुक है पीछे से, ये सी कुछ डिटेल्स है जो कि मैं ब्लर कर दूंगा, आपको दिखेगी नहीं प्रॉपर। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो मॉडल नंबर है दिख पा रहा होगा शायद आपको, विजिबल होगा, थोड़ा सा और पास कर देता हूँ मैं, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और भाई फ्रंट से मैंने लैमिनेट करा दिया था और बैक साइड से जो है ये वाली सारी चीज़ें हैं एंड वेंटिलेशन वगैरह, ये चार्जर स्पोर्ट्स वगैरह हैं, पोर्ट्स आपको दिख पा रही होगी, बाकी पोर्ट्स जो है मैंने कवर कर रखी है ताकि डस्ट से जो है बचा रहे लैपटॉप। चलिए खोल के दिखा देता हूँ आपको और थोड़ा सा और दिखा देता हूँ साइड से, यार रह गया था। तो ये देखिए क्या है कि डस्ट जो है अंदर जा चुका काफ़ी सारा, तो उसी के कारण जो है मैंने इसमें एंटी डस्ट प्लग जो है इसमें लगा रखे हैं। तो चलिए खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं कि भाई और चल कैसा रहा है, परफॉर्मेंस क्या है और क्या क्या दिक्कतें मुझे आई है। स्टार्ट जो है मैंने इसको कर दिया है, तो स्टार्ट हो चुका है लैपटॉप हमारा यहाँ पे। परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है कि भाई किस तरीके से कोई परफॉर्मेंस में इशू है, परफॉर्मेंस में कोई भी इशू नहीं है लैपटॉप के अब तक। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मुझे जो इसमें दिक्कत आई है अब तक, सबसे बड़ी दिक्कत आई है मुझे इसमें हैंगिंग की, हैंग हो जाता है ये। मान लो आपने इसको स्लीप मोड में डाल दिया या स्लीप मोड में थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक चला जाता है ये आइडल मोड में, तो क्या रहेगा जैसे आप इसका फ्लैप ऑन करेंगे या इसको ऑन करेंगे तो भाई साहब कुछ नहीं पता, एकदम से आपको हैंग ही मिलेगा ये। उसके बाद एक ही सोल्यूशन रह जाता है कि आप इसको रिस्टार्ट। तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे इसमें वो लगी है। उसके बाद जो दूसरी दिक्कत मुझे बाद में पता चली है कि भाई बाद में क्या दिक्कत थी इसके, आई थिंक इसके ड्राइवर्स का इशू है, पता नहीं क्या कुछ है, बट वो अभी तक मेरी जो है रिजोल्व नहीं हो पाई है। उसके लिए मैंने विंडो भी चेंज किया है, सारी चीज़ को चेंज करके देख लिया है, इसलिए आपको पूरा फ्रेश नज़र आ रहा है, कुछ भी डेस्कटॉप पे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है और इवन कुछ ज़्यादा मैंने इसमें कर भी नहीं रखा अभी, बिल्कुल मैंने कल ही इसमें दोबारा से विंडो रीइंस्टॉल किया है। दूसरी दिक्कत मैं बता रहा था आपको क्या है कि जब भी आप कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस, मान लो आपके ईयरपोड्स वगैरह है, ईयरफोन है या नेक बैंड है, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस या ब्लूटूथ माउस आपका कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस अगर आप इससे कनेक्ट करते हो, तो भाई साहब इसका नहीं पता कि कब हैंग हो जाएगा ये। हैंग होते ही आपका माउस चलना बंद हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, हैंग, सीधा हैंग। उसके लिए भी आपको जस्ट रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करोगे तो ही लैपटॉप आपका जो है आगे चलेगा, दोबारा से वर्किंग में आएगा, अदरवाइज़ भाई साहब थोड़ी देर के बाद अगर वेट करोगे कि भाई ठीक हो जाएगा, हैंग मोड से बाहर आ जाएगा ये, तो ऐसा नहीं है,
क्या होगा कि अगर आपने वेट किया 2-3 मिनट, अगर आप वेट कर रहे हो तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक मोड पे जो है लैपटॉप आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो दो दिक्कतें हैं मुझे ये लगी है। तीसरा क्या है दोस्तों, जो इसका कैमरा क्वालिटी है, कैमरा क्वालिटी जो है इसकी काफ़ी पुअर है, कैमरा नज़र नहीं आ पा रहा। बाकी बता देता हूँ, यहाँ पे कैमरा है इसका, अभी मैंने स्ट्रिप लगा रखा है इसका ताकि जिससे कि कैमरे का पता ना चल सके। तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पुअर है, तो अगर किसी भाई ने कैमरा पर्पज़ से भी लेना है तो कैमरा इसका सिर्फ 2.0 है। इसकी वीडियो फुटेज मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा कि कैमरे की कैसी फुटेज है इसकी। तो ये तीन चीज़ें थी दोस्तों जो कि सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ें हैं। कैमरे का हो सकता है इतना ज़्यादा इशू ना हो, बट जो दूसरी चीज़ें हैं कि भाई आपका हैंग जो हो रहा है वो सबसे बड़ी दिक्कत है। इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके एक लैपटॉप ले रहे हो और पता चले आपको कि भाई हैंग हो रहा है यार, ये तो मतलब बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहता है उस चीज़ को लेके। और इवन जब आप ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हो तो वो भी जो सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस जो है रहता है। तो यही सारी चीज़ें थी। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि भाई परफॉर्मेंस क्या है और भाई किस तरीके से जो है ये चल रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई जो इसमें प्राइस है जो इस लैपटॉप का, वो है दोस्तों 89,000 का। स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बता दी थी, मैं दिखा भी देता हूँ आपको दोबारा से। थोड़ा सा जूम और कर दिया मैंने, देखिए आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे, असूस का है, AMD Ryzen 7 6800H, रेडियन ग्राफिक्स, 16 GB रैम है जो कि हमारी अभी 15.2 सिर्फ जो है यूजेबल है, और 3.20 GHz का है। ये बूस्ट हो जाता है अपने आप से अगर इस पर ज़्यादा लोड पड़ता है तो, विंडो 11 है। तो ये जो है चीज़ें है इसकी, प्राइस मैंने बताया आपको 89,000 का जो है मैंने लिया था ये लोकल मार्केट से 3 महीने पहले अप्रोक्स। उस दौरान जो इसका रेट था, ऑनलाइन जो रेट मिल रहा था वो मुझे मिल रहा था 93,000 का, 95,000 का और अप्रोक्स 96 का, अलग अलग वेबसाइट्स पे जिस पे आपने चेक किया, लाइक अमेजोन होगी, फ्लिपकार्ट हो गई या सो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी, तो इतना जो इसका रेट था। बट अगर अभी आप देखेंगे अमेजोन पे करंटली तो उसमें क्या है, सेम लैपटॉप सेम स्पेसिफिकेशंस, जस्ट उसमें क्या है आपको हार्ड डिस्क जो है, जस्ट उसमें क्या है आपको हार्ड डिस्क जो है वो कम मिलेगी, 512 GB उसमें देखने को मिलेगी आपको रदर देन 1 TB। तो बस इतना सही फ़र्क है। और जो उसका रेट अभी जो चल रहा है आप सुन के हैरान रहेंगे, 81,000, मतलब सिर्फ एक हार्ड डिस्क के डिफरेंस से जो रेट है वो इतना ज़्यादा फ़र्क में है, 8,000 सीधा कम हो गए। अगर कोई भाई लेना चाहे तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी है। बट अगर आप लेते हो तो चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि भाई सारी चीज़ें जो इस तरीके से आपकी अलाइन हो और उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। परफॉर्मेंस भाई साहब बहुत ज़्यादा तगड़ी है इसकी, इवन मैंने इस पर वीडियो एडिटिंग भी की है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वीडियो एडिटिंग होती है। एक्सपोर्ट करते हो आप वीडियोज़ को रेंडर करते हो तो भाई साहब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, नो डाउट, उसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है परफॉर्मेंस के मामले अगर मैं बात करूँ तो। बैटरी बैकअप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इवन आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको अगर विजिबल है तो आपको, 42% बैटरी है अभी, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। जो है बैटरी है अभी इसकी लैपटॉप की, और 2 घंटे 28 मिनट बता रहा है इस वाले यूजर्स पे, जबकि जो कि ब्राइटनेस है इसकी फुल मोड पे मैंने जो है कर रखी है। बैटरी के मामले में भी अच्छा चलता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। मैंने कल भी इसको यूज़ किया था, मतलब अगर आप इसको प्रॉपर चार्ज कर लेते हैं 100% पे तो आपका 7 से 8 घंटे का बैकअप इसमें प्रॉपर मिलेगा आपको नॉर्मल यूज के साथ में, लाइक यूट्यूब अगर आप चला रहे हो या कुछ और छोटा मोटा टास्क जो आप इसमें कर रहे हो, एक्सेल वगैरह यूज़ कर रहे हो, जो कि ग्राफिक मेमोरी को आपका यूज़ नहीं करते, तो आपका काफ़ी अच्छा चल जाएगा, ये बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देगा। हाँ, बट अगर या फिर जिस ऐप में आपका ग्राफिक्स मेमोरी यूज़ होता है उसमें क्या है, थोड़ा सा बैटरी पे परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा आपका, थोड़ी सी बैटरी उसमें आपकी क्या है कम चलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा अगर किसी भाई को कुछ और जानना हो लैपटॉप के बारे में तो मुझे भाई मैसेज कर सकते हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो उसमें रिप्लाई मैं करता रहता हूँ। आपने देखा भी होगा पीछे मैंने एक वीडियो और बना रखा है इसका, स्टार्टिंग में जब मैंने लिया था इसका अनबॉक्सिंग का, तो उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी आप जो है जाके देख सकते हैं जैसे। तो चलिए दोस्तों, अगर किसी भाई को कुछ और जानना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।